देखिए, कल हम लोग दिल्ली के गांव में गए, देहातों में गए, और दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस दावे को कि हम दिल्ली में पराली से खाद बना रहे हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े विज्ञापन, सुंदर सुंदर विज्ञापन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब दे रहे हैं, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कि दिल्ली में पराली से खाद बनाई जा रही है। लेकिन अफसोस होता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना बड़ा झूठ किसानों के साथ बोल रहे हैं और दिल्ली और देशवासियों को दिखा रहे हैं। करोड़ों रुपए विज्ञापनों पर फूंक कर वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में पराली से खाद बनाई जा रही है, लेकिन असलियत जब हम देखने गए तो किसान अपना दुखड़ा रो रहे थे। उन किसानों के खेतों में पराली के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे और कहीं भी पराली से खाद नहीं बनाई जा रही थी। जब हमने किसानों से पूछा कि आपके पास अभी तक कोई नुमाइंदा आया दिल्ली सरकार का, उन्होंने कहा आज तक मेरे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई पराली से खाद बनाने की कोई टेक्निक हमें नहीं बताई, कोई दवाई हमें नहीं दी खेतों में छिड़कने के लिए, कोई अधिकारी ये नहीं बताने आया कि आप पराली से खाद बनाइए। हाँ, दिल्ली सरकार के अधिकारी आए, 50,000 रुपए के चालान के नोटिस उनको दिए गए, और इससे किसान बहुत परेशान है कि एक तरफ वो अपनी पराली जो पहले खेत से निकाल के एक साइड रखे, उसमें मेहनत लगी है, श्रम लगा है, मजदूरी लगी है, उस पराली को वो क्या करे। दिल्ली के किसानों ने ये तय किया है कि हम सब लोग अपनी पराली को लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाएंगे और ये कहेंगे, मुख्यमंत्री जी आप पराली से खाद बनाने की बात कर रहे थे, इस पराली से खाद बनाइए आप। तो कोई तारीख? बिल्कुल, बहुत जल्दी हम लोग ये करने वाले हैं। अभी किसान अभी हम 4-5 गांव में और भी दौरा करेंगे और उसके बाद हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर वहां जाएंगे और पराली लेकर, जो पराली से खाद अभी तक दिल्ली में नहीं बनी है, ये बहुत बड़ा झूठ दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला है, उसका पर्दाफाश करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।